सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन प्रस्तुत करने से पूर्व यश जी हमें सतगुरु की महिमा का एक गीत सुना रहे हैं, भक्ति मार्ग का। यश जी। ओम शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन हुंदे ने, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मैनू सारे पुछदे ने, मेरे संगी ते साथी जिने एक वारी देख ले, मेरे सतगुरु दी जाकी कितों ढूंढ के लियांदा ए लाल बड़ा सोना ए, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना ए, ए मान सरोवरे इथे मोती मिल देने, कई जन्मा दे बिछुड़े प्रेमी इस दर ते मिल देने, ए घाटे दा सौदा नहीं व्यापार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इथे रोज दशहराए, इथे रोज दिवाली है, इथे तन मन रंग देने, रंगदार बड़ा सोना है, मेरा सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, जिड़ा एथे आ जांदा ओदी बिगड़ी सवर जांदी, तेरा दर्शन पा लेंदा ओदी किस्मत खुल जांदी, मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, इत्थे दर्शन हुंदे ने, दीदार बड़ा सोहना है। बहुत ही प्यारा गीत है। ये मान सरोवर है, इत्थे मोती मिलदे ने, कई जन्मां दे बिछड़े प्रेमी सारे आके इस दर ते मिल जांदे ने, ये बहुत सुंदर व्यापार है, ये घाटे का सौदा नहीं। बहुत ही सुंदर भाव। अभी मुरली मंथन के कुछ मुख्य बिंदु
बाबा ने कहा, आप हो दाता के बच्चे। दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन हमेशा देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे, हर क्षण देने वाले, तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भी तो भरपूर चाहिए ना। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया प्यारे बाबा से, अब तो बस देना ही देना है। देते जाओ, देने से और भी आपका भंडारा भरता जाएगा। परमपिता परमात्मा शिव आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य का ज्ञान देते हैं, क्षीर निर्विवेक कर देते हैं, हमें अगम निगम का बोध हो जाता है। रूहानी पढ़ाई हम पढ़ते हैं शिव बाबा से, सभी वेद शास्त्रों का सारांश पता लग जाता है, सभी धर्मों का सारांश, हम आत्मजीवी हो जाते हैं। अमर कथा सुनाकर परमपिता परमात्मा हमें मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाते हैं। वो है ही अमरनाथ। ऐसी जगह ले जाते हैं जहां कहीं कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, या तो मुक्ति में होते हैं या जीवन मुक्ति में होते हैं। सभी सुखी होते हैं, सभी शांत होते हैं। शिव बाबा ही सर्वात्माओं की सदगति करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु वही है, वही है जगत गुरु। जगत गुरु जगत का रचता ही हो सकता है, विश्वनाथ ही हो सकता है। ज्ञान मार्ग में अवस्था बहुत मजबूत रखनी है, विदेही बनना है, बॉडीलेसनेस की स्थिति का अनुभव करना, इनकॉर्पोरियल स्टेट का अनुभव करना, जितना हो सके बाप को याद करना है। इस समय हम बाबा के बन गए हैं, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। बाबा ने हमें अपनी रूहानी गोद में लिया है, ये भी याद रहे कि हम प्रभु की गोद में हैं, तो ये भी योग है। पांडवों की है परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, और कौरवों की है परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि। कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अगर विपरीत बुद्धि हो गई तो समझो विनाश सुनिश्चित है। इसलिए परमपिता परमात्मा से बुद्धि का योग रखना चाहिए, उसी से प्रीत रखनी चाहिए। पांडवों को तो खुशी रहनी चाहिए कि हमारे साथ साक्षात ईश्वर। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला हो रही है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वत का पला। परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान मिलने से हमारी चढ़ती कला हो रही, माया द्वारा तो हमारी गिरती कला ही होती रही। चढ़ाई पर चढ़ते समय कई बार डगमग भी होते हैं, ये मायावी विकल्प ही तूफान लाकर गिरती कला कर देते हैं, अब परमात्मा आके चढ़ती कला करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। वो है सृष्टि का बीज रूप, उसे ही याद करना है। पत्तों पत्तों को पानी नहीं देना है, देवी देवताओं को और किसी को भजना नहीं है, उस पिता को, शिव पिता को जो सृष्टि का बीज रूप है, उसे ही याद करना है। याद से ही ममत्व मिटेगा। इस दुनिया से दिल नहीं लगानी, इस दुनिया से दिल लगी नहीं करनी, वैराग्य वृत्ति में रहना है, डिटैच्ड। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब खत्म हो जाना, इसलिए मोह किस चीज का। तुम बच्चों को अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है। योग युक्त होकर बात करेंगे तो अन्य आत्माओं को कशिश होगी।
धर्म पिताओं में पवित्र आत्मा धर्म की स्थापना करती है, उसके बाद उन्हें भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो तो दुख सुख से न्यारे हैं, वो अपना पार्ट बजाए वापिस परम धाम चले जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। परमात्मा पार्ट बजाते हुए भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्माएं तो पार्ट बजाते बजाते कर्म बंधन में आकर सुख दुख भोगती रहती है। परमात्मा है सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञ, सर्वगुणों का सागर। उसकी याद से आत्मा भी शक्तिवान, गुणवान, ज्ञानवान बन जाती है। आज का स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो, बहुत रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाई में होना है और ईमानदारी से पढ़ाई पढ़नी है तो फुल मार्क्स आएंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी जी की की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।